जरा सोचो अगर तुम एक ऐसा गेम बनाते हो जो एक अलग ही दुनिया का दरवाजा खोल दे और अनजाने में तुम ही उस दुनिया में फंस जाओ तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण, फैंटेसी बॉक्स हिंदी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्रिल नाम के लड़के को, जिसे पुलिस ने एक खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि उन पुलिस ने उसे बिना कुछ किए वैसे ही छोड़ दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 24 घंटे पहले, जहाँ पर क्रिल अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ था। एना बहुत नाराज थी क्योंकि क्रिल उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था। तभी यहाँ में पता चलता है कि क्रिल एक गेम डेवलपर है। क्रिल ने डॉल का कॉस्ट्यूम पहनकर एना को मनाने की कोशिश की, लेकिन एना ने उसे ब्रेकअप कर लिया। दरअसल दोस्तों, क्रिल एक गेम पर काम कर रहा था। वो उस गेम को बना भी लेता है और उसे एक बड़ी कंपनी खरीद भी लेती है, लेकिन ऐसे खुशी के मौके पर भी एना उसे छोड़कर चली जाती है। क्या यार, बंदा इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन लड़की को कुछ पड़ी ही नहीं है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और क्रिल निराश होकर अपने दोस्त के साथ कंपनी में चला जाता है। कंपनी में क्रिल की बहुत वाहवाही हुई क्योंकि उसने बनाया हुआ गेम बहुत ही बड़ी कंपनी ने खरीद लिया था। सेलिब्रेशन के बाद क्रिल अपने घर पर पहुंचा, लेकिन उसके घर पर उसे एक औरत मिली जो उसे बताने लगी कि ये घर मेरा है और मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर तो क्रिल को गुस्सा आ गया और क्रिल ने उसे अपने घर से जाने के लिए कहा, लेकिन वो औरत घर से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसीलिए क्रिल ने पुलिस को बुलाया। उसके बाद क्रिल ने घर में आकर देखा तो घर का पूरा नक्शा ही बदल गया था। हैरानी की बात तो तब हुई जब उसके पड़ोसियों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर उस औरत ने अपना नाम रेनेडा बताया और घर के कागजात भी दिखाए, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी क्रिल को अपना घर छोड़ना पड़ा। अगले दिन क्रिल अपने घर के कागजात लेकर सरकारी दफ्तर चला गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्रिल ये साबित करने में फेल हो गया कि ये घर रेनेडा का नहीं बल्कि उसका है। तब वो प्रूफ ढूंढने के लिए अपने ऑफिस चला गया, लेकिन वहाँ पर भी उसे किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया। ये देख क्रिल को बहुत गुस्सा आ गया और वो ऑफिस में बहुत हंगामा करने लगा, इसीलिए उसके ऑफिस वालों ने भी उसे वहाँ से निकाल दिया। अब दोस्तों, क्रिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, इसीलिए वो अपने पिता से मिलने के लिए चला गया। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये हुई कि उसके खुद के पेरेंट्स ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद अब क्रिल को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद क्रिल और रेनेडा में काफी बहस हुई। आखिर में क्रिल ने रेनेडा को चाकू दिखाते हुए कहा कि तुम मेरे घर पर कब्जा क्यों करना चाहती हो, लेकिन दोस्तों रेनेडा ने वो चाकू खुद ही अपने पेट में घुसा कर खुद को मार दिया, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्होंने क्रिल को पकड़ लिया। और दोस्तों, यही सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब किसी वजह से पुलिस क्रिल को छोड़ देती है और क्रिल के मोबाइल पर एक लोकेशन आ जाती है। क्रिल उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर एक पुराना लाइट हाउस था। अब उसके पास कोई घर नहीं था, इसीलिए वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब क्रिल उठा तो उसने देखा कि वो जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। तभी वो कुछ समझ पाता, वहाँ पर रेनेडा आ गई। परेशान क्रिल ने उसे पूछा, अरे भाई चल क्या रहा है, क्या पागल समझ कर रखा है क्या। रेनेडा ने उसे बताया कि वो अब अलग ही दुनिया में आ चुका है, जिसका नाम किंग जिम है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि क्रिल एक गेम डेवलपर है और उसने जो गेम बनाया था उसी का नाम भी किंग जिम था। इसका मतलब क्रिल अब अपनी बनाई गई गेम की दुनिया में फंस चुका है। रेनेडा ने उसे बताया कि इस दुनिया के जैसे कई सारे पैरेलल वर्ल्ड है जिसके बारे में कई सारे लोगों को पता है, और जब तुमने किंग जिम गेम बनाया तो अनजाने में तुमने पैरेलल वर्ल्ड का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मैंने तुम्हारी दुनिया में जाकर तुम्हारी पहचान मिटा दी। ये सुनकर क्रिल ने मन में कहा, साला तो इसलिए हमको कोई पहचान नहीं रहा। अब क्रिल ने ही इस दुनिया का दरवाजा खोला था, तो इसलिए अब क्रिल भी इस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। आगे रेनेडा ने बताया कि जैसे तुमने इस दुनिया का दरवाजा खोला है, वैसे ही हजारों पैरेलल वर्ल्ड है, उसमें से कुछ गेट ओपन हो चुके हैं और कुछ गेट अभी ओपन होने बाकी है, और अब तुम्हारा काम यही होगा कि तुम यहाँ रहकर अलग अलग दुनिया के दरवाजे खोलो, और यहाँ पर जो ट्रेवलर्स आएंगे, जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएंगे, उनकी तुम्हें तहकीकात करनी होगी। तब क्रिल ने उसे पूछा कि तुम्हें ये सब एडवांस बातें कैसे पता है। रेनेडा बताती है कि हमारे एक सीक्रेट सोसाइटी है और मैं उनके लिए काम करती हूँ। मेरे ऊपर भी कई लोग हैं जिनके ऑर्डर मुझे मानने पड़ते हैं। हम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि सुपर एंटिटी है। उसके बाद रेनेडा क्रिल को एक अलमारी दिखाती है जो हर इच्छा पूरी करती है। अब क्रिल उस अलमारी को टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए सबसे पहले उसने रेनेडा को नंगा देखने की विश मांगी, और दोस्तों उसकी विश पूरी भी हो गई। इसी को कहते हैं मैन विल बी मैन। अब
अबे क्रिल ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? अब बहुत सोचने के बाद क्रिल ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन रेनेडा उसे अपनी दुनिया में जाने नहीं देती। और अगर क्रिल किसी तरह अपनी दुनिया में चला भी गया तो भी उसे वहाँ कोई नहीं पहचानता। उस दुनिया में वो एक क्रिमिनल था और पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी क्रिल को रेनेडा की बात माननी पड़ती है और फिर रेनेडा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्रिल वहाँ के पानी को हाथ लगाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर सुपर पावर आ चुकी है। उसके बाद क्रिल अलमारी से अपने बेस्ट फ्रेंड कोस्टा को बुला लेता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। उसका बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आता है, लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि क्रिल का फ्रेंड उसे पहचानता था। क्रिल ने अपने फ्रेंड कोस्टा को सारी घटना के बारे में बताया, लेकिन कोस्टा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो लोग वहाँ पर मस्ती करते हैं और तभी दरवाजे पर बेल बजती है। दरवाजे पर थे एना और उसका बॉयफ्रेंड। एना को देखकर क्रिल बहुत शॉक हो जाता है। दरअसल एना क्रिल को पहचानती नहीं क्योंकि उसकी यादों से क्रिल को मिटा दिया गया है। अब क्रिल उन दोनों की इन्वेस्टिगेशन करता है और उन्हें नई दुनिया में जाने के लिए इजाजत दे देता है, लेकिन दोस्तों क्रिल एना को चाहता था इसलिए वो और उसका फ्रेंड उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन क्रिल एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका सामना रोबोट से होता है। वो रोबोट उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रिल के अंदर सुपर पावर आ चुकी है। क्रिल उस रोबोट के साथ एक सुपर हीरो की तरह लड़ाई करता है और कोस्टा उसका वीडियो बना लेता है। इस फाइटिंग में रोबोट हार जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी क्रिल देखता है कि वहाँ पर एक लड़की जख्मी हालत में पड़ी है। वो लड़की पानी मांगती है और जैसे ही क्रिल उसे पानी पिलाता है उसकी हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसके घाव अपने आप ही भर जाते हैं। वो लड़की अपना नाम रोज बताती है और वो बताती है कि हम जैसे कस्टम ऑफिसर के लिए पानी जादू की तरह काम करता है और हमारे सारे घाव भर देता है। उसके बाद क्रिल भी पानी पीता है और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि जब वो यहाँ आई थी तब उसकी उम्र 27 थी और तब से उसकी उम्र बड़ी ही नहीं है, यानी कि दोस्तों अब वो अमर है। और दोस्तों अब अपना क्रिल भी कस्टम ऑफिसर बन गया है तो इसका मतलब क्रिल भी अमर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों क्रिल अपने रूम में वापस आ जाता है और वो सो जाता है। अगले दिन सुबह जब क्रिल उठता है तो एक नई दुनिया का दरवाजा खुल चुका था। उस दुनिया को देखकर क्रिल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। तभी वहाँ रेनेडा एक ऑफिसर के साथ नई दुनिया को देखने के लिए आ जाती है। रेनेडा क्रिल को एक लॉकेट पहनाती है और कहती है कि तुम किसी भी दुनिया में इस टावर से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही जा सकते हो और अगर तुमने उसके आगे जाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। दोस्तों क्रिल को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे ये बात माननी ही पड़ती है। अब एक दुनिया में जाकर क्रिल अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही 15 किलोमीटर से आगे जाने लगता है उसकी हालत बिगड़ जाती है, उसके शरीर को कुछ होने लगता है। फिर वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर पानी पी लेता है और उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। उसके बाद एना और उसका बॉयफ्रेंड फिर से क्रिल के पास आ जाते हैं क्योंकि एना को जो नई दुनिया थी वो बहुत पसंद आई थी और वो अपनी छुट्टियाँ वहाँ पर ही मनाना चाहती थी। एना को खुश देखकर क्रिल को उसकी पुरानी यादें याद आने लगती है और ये सब कुछ एना का बॉयफ्रेंड देख लेता है। क्रिल उसे पूछता है कि तुम एना के साथ कब से हो। एना का बॉयफ्रेंड बताता है कि इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर ने उसे एना के साथ रहने के लिए कहा है और वो एना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अब ये सुनकर क्रिल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और अगले ही दिन क्रिल उससे मिलने चला जाता है। वो एना को सब कुछ बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसकी यादों से उसे मिटा दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ एना को कुछ याद नहीं था। फिर दोस्तों क्रिल एना को डेट के लिए पूछ लेता है और एना भी हाँ कह देती है क्योंकि दोस्तों अब एना भी उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। डेट पर जाने के बाद वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं और बहुत ही प्यार भरे लम्हे बिताते हैं। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिल के नाम पर एक पार्टी रखी गई है क्योंकि क्रिल ने अभी अभी दो दुनिया के दरवाजे खोले थे। उस पार्टी में एना और क्रिल एक साथ आ जाते हैं और उन्हें देखकर रेनेडा को जलन होने लगती है क्योंकि दोस्तों अब रेनेडा भी क्रिल को पसंद करने लगी थी। मतलब भाई क्रिल की तो मौज है। रेनेडा एक चाल चलती है और एना को साइड में ले जाकर धमकाने लगती है। वो उसे क्रिल से दूर रहने की सलाह देती है। उसके बाद एना देखती है कि क्रिल का ध्यान उसकी तरफ नहीं है और वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। तभी दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर रेनेडा उसे किडनैप कर लेती है और उसे एक अलग ही दुनिया में भेज देती है। यहाँ क्रिल एना को ढूंढ रहा था लेकिन उसे एना नहीं मिलती, इसीलिए वो अपने टावर वापस आ जाता है। टावर में आने के बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और उसे कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। तुम्हें एक ऐसी दुनिया को खोजना होगा जहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर
कोई भी परेशानी नहीं है, वहाँ पर कभी भी महामारी या फिर युद्ध नहीं होता। दरअसल दोस्तों ये मैडम जो बता रही है वो एक ओरिजिनल दुनिया है और ये बाकी के जितने भी पैरेलल वर्ल्ड है वो उसकी कॉपी है। अब क्रिल को उस दुनिया का पता लगाना था और वहाँ पर जाकर उनके तौर तरीके सीखने थे ताकि बाकी के सारे पैरेलल वर्ल्ड को भी वो उसी तरह बना सके जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सब लोग खुशहाली से जी सके। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा लौंडा क्रिल तो अपने गर्लफ्रेंड के लिए परेशान हो जा रहा था। वो उसकी लोकेशन पता करता है और उसके घर पर जाने लगता है, लेकिन उसका घर तो 15 किलोमीटर के बाहर होता है, इसीलिए वो वहाँ पर जा नहीं पाता और फिर से टॉवर वापस आ जाता है। उसके अगले दिन जब क्रिल उठता है तो एक अलग ही दुनिया का दरवाजा ओपन हो चुका था। क्रिल देखता है कि उस दुनिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। क्रिल थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा बीमार होते हैं और कुछ लोग तो एक लेडी के लिए कारखाने में काम कर रहे थे। क्रिल उस लेडी से बात करने लगता है, उस दुनिया के बारे में पूछने लगता है और वो लेडी समझ जाती है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड का कस्टम ऑफिसर है। वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे थे उनकी हालत बहुत ही बदतर हो गई थी और उन्हीं के बीच ऐना मौजूद होती है। उसे देख क्रिल ऐना को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो औरत उसे रोक देती है। तभी वहाँ के लोग उस औरत पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो औरत बहुत ही जालिम थी। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए क्रिल ऐना को अपने साथ टॉवर ले जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों तभी उसका दोस्त कॉस्टा वहाँ पर आता है और वो क्रिल से कहता है कि उसे कमिटी ने अब कस्टम ऑफिसर बना दिया है। अब कॉस्टा एक सीनियर ऑफिसर बन चुका था और वो ऐना को यहाँ लाने के लिए क्रिल को पनिशमेंट दे देता है। क्रिल की जो 15 किलोमीटर तक जाने की रेंज थी उसे वो कम करके 50 मीटर तक कर देता है, यानी कि क्रिल अब टावर से 4 कदम दूरी पर ही जा सकता था। कॉस्टा के जाने के बाद क्रिल देखता है कि ऐना की हालत बहुत खराब हो चुकी है और अब वो मरने वाली है, इसीलिए क्रिल ऐना को उस दुनिया में ले जाता है जो उसे बहुत पसंद थी। लेकिन क्रिल जब ऐना को लेकर बाहर जाता है तब वो 50 मीटर की लिमिट क्रॉस करता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। अब उसकी जान जाने ही वाली थी, लेकिन तभी ऐना उसके गले का लॉकेट खींच लेती है और उसे फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों बच जाते हैं। अब अगले दिन क्रिल की नींद खुलती है तो उसके सामने नई दुनिया का दरवाजा खुल चुका था। वो बाहर आकर देखता है तो वो दुनिया बहुत ही खूबसूरत और एडवांस थी। क्रिल देखता है कि वहाँ की सभी चीजें बहुत ही ज्यादा हाईटेक थी। और दोस्तों यही होता है ओरिजिनल वर्ल्ड, जिसका नाम है बेल्टा। तभी वहाँ पर एक कस्टम ऑफिसर आता है और वो क्रिल को बताता है कि हमने ही सारे पैरेलल वर्ल्ड बनाए हैं और यही वो ओरिजिनल वर्ल्ड है जिसका उसे मिशन मिला था। और यहाँ पर जो साल चल रहा है वो है 1940। तुम्हारी दुनिया हमसे बहुत आगे चल रही है, लेकिन हम तुमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। हमने जानबूझकर जितने भी पैरेलल वर्ल्ड बनाए हैं उन सबको हमने 15 से 20 साल आगे रखा ताकि भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होने वाली है वो हमें पहले से ही पता चल जाए और उसके लिए हम तैयार रहे। इसीलिए हमारे इस ओरिजिनल दुनिया में कभी कोई युद्ध या महामारी या फिर कोई भी परेशानी नहीं होती। हमारे लिए सिर्फ हमारी दुनिया मायने रखती है, बाकी का दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने उस पैरेलल वर्ल्ड को इसीलिए बनाया ताकि हम हमारी दुनिया को बेहतर बना सके। अब क्रिल को ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी दुनिया में जाने लगता है, लेकिन वो कस्टम ऑफिसर उसे जाने से मना कर देता है क्योंकि अब इस ओरिजिनल दुनिया की सच्चाई क्रिल को पता चल चुकी है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और क्रिल पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्रिल किसी तरह बचकर टावर तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। टावर में आते ही उसे रेनडा मिलती है। वो बहुत गुस्सा थी क्योंकि क्रिल ने अपने गले का लॉकेट उतार दिया था, लेकिन क्रिल को उसकी कहाँ पड़ी थी। वो तो आते ही ऐना को ढूंढने लगता है, लेकिन दोस्तों ऐना वहाँ नहीं होती। दरअसल दोस्तों रेनडा ने ऐना को फिर से किसी पैरेलल वर्ल्ड में भेज दिया है। अब प्यार में पागल क्रिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेनडा से फाइट करने लगता है। इसी फाइट में क्रिल रेनडा को मार देता है और जैसे ही इस दुनिया में रेनडा मर जाती है ये गेम की दुनिया भी टूट कर बिखर जाती है। अब दोस्तों रेनडा मर चुकी थी, इसीलिए उसने जितने भी लोगों की यादों से क्रिल को मिटा दिया था उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। तभी क्रिल को उसके माता पिता का कॉल आता है और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्रिल अभी भी ऐना को ढूंढना चाहता है और तभी वहाँ उसका फ्रेंड कॉस्टा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने टावर को तोड़ दिया है, इसीलिए अब हम किसी भी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। लेकिन क्रिल को तो किसी भी हालत में ऐना से मिलना ही था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को मनाता है और हम ये टावर वापस बनाएंगे ऐसा कहता है। कॉस्टा भी मान जाता है। अब वो दोनों ये जानने के लिए निकल जाते हैं कि ये दूसरी दुनिया का दरवाजा कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों यहाँ टावर में आग लग जाती है, इसलिए फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वो आग बुझाने के लिए पानी मारना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों वो पानी जैसे ही रेनडा पर पड़ता है रेनडा फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है पैरेलल वर्ल्ड के लोगों के लिए पानी एक
जादू की तरह काम करता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि क्या क्रिल अपने ऐना से मिल पाएगा, या फिर रेनडा वापस जिंदा होकर क्रिल से बदला लेगी, आपको क्या लगता है? और ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही फैंटेसी मूवी देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।